फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई यहाँ पे छत पे चाय वगैरह पीने, और बाकी का काम हो चुका है। यहाँ पे ये लोग आ गए थे नीचे और मैं भी आ गई हूँ। अभी ये लोग जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। तो हमारे यहाँ गाँव में नहर के उस पर कूड़ा फेंका जाता है, तो थोड़ा बहुत कूड़ा रहता है तो मैं भी ले जा कर फेंक देती हूँ जब अंधेरा रहता है। लेकिन बाद में जब उजाला हो जाता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, या फिर ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो जाता है तो मुझसे नहीं जाता है। यहाँ पे पौधे में पानी वगैरह दे दिया है और छोटे छोटे कली देखिए अब खिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो मैंने पेड़ लगाया है, मतलब फूल पौधा लगाया है, इसका अभी टाइमिंग है, फूल इसी टाइम पर खिलता है। और यहाँ पर मेरी बेटी गई थी फूल तोड़ने, अड़हुल का फूल होता है, पीछे है कुएँ के पास, तो गई थी तोड़ने, तोड़ ओड़ के ला दी थी। अब चलेगी, वो नहाएगी, ब्रश व्रश करेगी, और उसके पापा थोड़ा है तो नहावा देते हैं। यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ, फटाफट से काम करूँगी क्योंकि अभी बहुत लेट भी हो रहा है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना है और बाकी का पूजा पाठ भी करवाना है। फिर टिफ़िन रखो, बैग अच्छे से देखो, बॉटल भरो, फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है मॉर्निंग के टाइम में, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अभी फटाफट से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रही हूँ स्पीड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो को स्पीड बढ़ा दी है और बाकी वीडियो शूट करके, तो इतनी जल्दी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है भैया कि इतनी जल्दी भाग पाऊँ मैं स्पीड से, कोई भी इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, स्पीड बढ़ा दिया तो आपको लग रहा होगा। यहाँ पे भुजिया बना चढ़ा दिया था, मतलब उधर दाल चढ़ा दिया, इधर आटा लगा लूँगी फटाफट से, और आटा वाटा गूँथ के फिर चलूँगी। देखती हूँ बेटू नहा धो लेगी तो उसको पूजा वगैरह कराऊंगी। और वो जब से मेरे मायके गई है ना, तो मेरी मम्मी एकदम उसको पूरा एकदम भक्त बना के भेज दी है, पूरा एकदम दिन रात पूजा पूजा करती रहती है, सोते टाइम भी पूजा करके कोई मंत्र वगैरह है वो बोल के सोती है। तो चलिए यहाँ पे ये पूजा वूजा करवा देती हूँ उसको। यहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी, और शंकर भगवान में मुझे भी बहुत बचपन से ही, मैं भी बहुत मानती हूँ, वैसे तो सभी भगवान को मानती हूँ, लेकिन इनमें मेरा कुछ ज़्यादा ही झुकाव है। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं अपने बच्चों का टिफ़िन वगैरह देने। तो यहाँ पे देख रही थी कि कौन सी कॉपी किस में रखी है, तो सब उल्ट पुलट रख देते हैं ये दोनों, कि कभी कहीं कभी कहीं कुछ इधर उधर रखे रहते हैं। जब तक मैं ध्यान ना दूँ इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी कहावत है ना, भी बच्चे छोटे हैं ना, तो हमें ही ध्यान देना होगा, फिर बड़े हो जाएंगे ना तो हमें, मतलब ये कब रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं पता ही नहीं होगा। तो अभी तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, और फिर ये दिन वापस भी नहीं आएगा। और जब मैं इन दोनों का बैग पैक करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं बैग पैक करते, अपना बैग पैक करते करते इन दोनों का बैग पैक करने लगी। समय बहुत जल्दी निकल जाता है और हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो मुझे अपना स्कूल दिखता है ना, तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम लोग इसी रास्ते से स्कूल जाते थे। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल, बाकी का काम हो चुका है। अभी बज रहा है 11:30, और अब चलती हूँ चावल वगैरह बना लेती हूँ। तो चावल वावल बना लेती हूँ, यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धुल के डाल दिया है मैंने, और पूरे घर का काम भी हो चुका है, चावल भी मैंने रख दिया था, चावल बन गया है। और चलिए आपको दिखाती हूँ, खाना वाना बन के तैयार है। मॉर्निंग में ही दाल वगैरह तो बना ही दिया था, बस चावल ही बनाना था। तो यहाँ पर सब कुछ किचन विचन भी क्लीन कर लिया है, बर्तन भी धुल दिया है। अब अपना खाना लूँगी, क्योंकि इतना काम किया है मैंने मॉर्निंग से और खाना कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि काम के चक्कर में मैं खाना खाना ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे अपना पूरा एकदम मस्त वाला खाना लगा लिया। अब चलती हूँ खाने, रहने देते हैं ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।